अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू उर्दू टीम। अच्छा फ्रेंड्स, आप ईटा के लिए जेएस के थ्रू जो है ऑनलाइन किस तरह फी जमा कर सकते हो। ईटा की जो फीस है, ईटा में आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो और आप जो है फीस जमा करना चाहते हो, आप जो है बैंक नहीं जाना चाहते, तो आप जेएस केस के साथ जो है बड़ी आसानी के साथ पैसे ऑनलाइन जमा कर सकते हो। अच्छा, ये सब प्रोसेस किस तरह करोगे, वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपको एक बात बताता चलूं कि आप जो है जेएस केस अकाउंट बनवा लें, या आपके मतलब जेएस केस जो ऐप है आपके मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए। देखिए, इंस्टॉल होने के बाद अपनी अकाउंट बनाए, बिल्कुल फ्री में बन जाती है इजी पैसा। और जेएस केस जो है ये सेम अकाउंट है, ठीक है। तो आपको जेएस केस पर क्लिक करना है। अच्छा, जेएस केस पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन, अच्छा लॉगिन होने के बाद आप लोग क्या करोगे, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अच्छा, आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जो कॉर्पोरेट लिखा है, कॉर्पोरेट पेमेंट्स, इसी पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे आप एक नंबर पे जो है जो सबसे ऊपर है, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन एजेंसी, अच्छा जो एक नंबर पे है ईटा, इसी पे क्लिक करें। तो अब यहाँ पे जो इंटर कंज्यूमर नंबर या टोकन नंबर, यहाँ पे आप जो है एंटर कर लें, और जितने भी आपकी फीस है तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरह कोई भी फी हो, आप कंटिन्यू पे इसके बाद क्लिक करेंगे, और इसके बाद जो है पे नाउ। फिर भी आपको बताता चलूं, आपको आपको करना क्या है, आपको जो है कॉर्पोरेट पेमेंट पे जो है आना है। कॉर्पोरेट पेमेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे जो है एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन एजेंसी, इसी पे क्लिक करें। तो यहाँ पे या टोकन नंबर या कंज्यूमर आईडी वहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे एंटर कर ले आओ, पे नाउ पे क्लिक करें। तो इसी तरह बड़ी आसानी के साथ जेएस केस के साथ जो है ईटा के लिए फीस जमा कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।